आरोग्य जागृति। नमस्ते, मैं डॉक्टर जयपाल आनंद नाम मेडिकल हॉस्पिटल औरंगाबाद, यहाँ फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट। जैसे सन स्ट्रोक होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमें बहुत जैसे कि समर के टाइम में हमें टेम्परेचर केयर बहुत करना ज़रूरी है अपने शरीर का। जैसे कि पानी ज़्यादा पीना है अपने को। जैसे सन स्ट्रोक का रीज़न यही होता है कि जब अपने शरीर की पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी और जो नमक की मात्रा है वो दोनों कम हो जाती है, और हमारा जो ब्रेन का थर्मोल रेगुलेटरी सिस्टम होता है जिससे हमारा बॉडी का जो है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है वो बिगड़ जाता है, और इससे यही होता है कि शरीर का टेम्परेचर जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इसके बाद हमें सन स्ट्रोक होता है। तो पहली सबसे मेन बात ये है, इसको रोकने के लिए हमें काफ़ी पानी जो है कि वो पीना ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि हमें जो है कि लूज कपड़े और थीन हो, जिससे जो कि हीट ना पकड़े वैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए, और यूजुअली हमें जैसे कि वो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और जैसे कि एसी गाड़ी या फोर व्हीलर जो भी है उसमें हमें ट्रैवल करना चाहिए, या बाहर निकल रहे हो घर से बाहर तो या पैदल ना जाएं, या हो सके तो कुछ व्हीकल का यूज़ करें जो उससे हम हीट जो है कि अपना एक्सपोजर टाइम जो है हीट को वो कम से कम रखें। तो ये सब बातें हमें ध्यान में लेनी होगी, और हीट एक्सपोजर अवॉइड करना होगा जिससे कि हमारा शरीर का तापमान ना बढ़े। सर, सनस्ट्रोक के लिए कौन से तरह उपचार किया जाता है? देखिए, सनस्ट्रोक का उपचार जो है कि इसके अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हम उपचार करते हैं। जैसे स्टेज वन और टू, जो स्टेज वन है वो सबसे माइल्ड स्टेज है, और इसमें सबसे मेन होता है कि मरीज के हम पूरे जो है कि कूलिंग मेथड इसमें रहती है, तो कपड़े अपने को निकालने हैं जो कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो वैसे कपड़े ना मरीज के ऊपर ना रखें, और उनको जो है कि स्लो कूलिंग हमारा एक टारगेट रहता है, जिससे हम कुछ कभी कभी कुछ मेथड्स में हम मरीज को जैसे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर होता है उसको एक थोड़े से जैसे कंपार्टमेंट में हम उसको पानी में मरीज को थोड़ी देर सर जो फेस बाहर रख के हम थोड़ी देर एक्सपोज करते हैं पानी में, जो कि उनका शरीर का टेम्परेचर कम करने में मदद होती है। और स्टेज टू में भी सेम है, बट सबसे मेन होता है कि स्टेज थ्री, जो कि स्टेज थ्री जो है ये पेशेंट्स हमको यूजुअली आईसीयू में मैनेज करना होता है, तो इनका ये होता है कि ब्लड पैरामीटर्स भी काफ़ी बिगड़ जाते हैं, इनका खून जो है तो वो बहुत ही कट होने लगता है, तो इनमें जैसा विस्कोसिटी बढ़ने के कारण खून जो है कि ब्रेन और हार्ट सब जगह इनको जो है कि खून की गांठें बनने लगती है, तो वो अपने को ऐसे मरीजों को आईसीयू में एडमिट करके ही इलाज करना होता है। तो इनमें सबसे मेन होता है कि आईवी ट्यूब, जिससे सलाइन हम देते हैं उसे टेम्परेचर भी जो कि थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है उसका जो सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर सेट पॉइंट वो हम जो है कि नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो अगर दौरा आता है मरीज को तो उसको दौरे का इंजेक्शन, बेहोशी के लिए अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो वो नॉर्मल करने के लिए हमको उसके लिए जो है सूजन के लिए इंजेक्शन देना होता है, जिससे सूज कमी हो कम होनी चाहिए जो ब्रेन की सूजन हो, और बाकी जैसे ब्लड पैरामीटर्स है उनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शन यूज़ करना होते हैं, जैसे खून पतला करने के लिए कुछ इंजेक्शन हमें स्टार्ट करने होते हैं, और पेशेंट को जो बीपी जैसे उनका यूरिन आउटपुट जो पेशाब कितना आ रहा है कितना सलाइन दे रहे हैं वो सारा पूरा वाइटल्स मॉनिटर हमें करना होता है। सर, अगर सनस्ट्रोक का वक्त पे इलाज नहीं किया तो कितना कौन सा गंभीर आजार को कुछ सामना करना पड़ेगा? अगर सनस्ट्रोक को हम अगर ऐसा होता है कि स्टेज वन में हमें इनको डायग्नोज कर ले एडिक्वेटली तो हम इनका स्टेज थ्री अवॉइड कर सकते हैं, और स्टेज थ्री मैंने जैसे बताया कि जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन से जो है कि
ब्रेन पे सूजन, जो खून की जो डेंगी गाढ़ापन, ये सब इनके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और हर जगह या तो ब्लीडिंग होना, ये सब हमको टाल सकते हैं। तो ये जो गंभीर जो है समस्या है, हम इनको टाल सकते हैं, लेकिन इसका यूजली हमको डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में अगर कर लें तो काफ़ी मदद हो सकती है। सर, एज अ फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, इस माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेडिकल और क्या? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो समर टाइम है, एनवायरमेंटल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है डे बाई डे राइजिंग ट्रेंड में है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें जैसे प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, और अगर अभी समर का टाइम है तो हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन, जिसमें पानी ज़्यादा पीना है, बाहर जो है कि एक्सपोजर काफ़ी कम रखना है, और हो सके जहाँ पे हो सके वहाँ पे हमें व्हीकल से ही जितना हीट एक्सपोजर टाइम है वो कम करना चाहिए। और आरोग्य जागृति।